आज हमारे पास आया है बुलेट ऑल मॉडल। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका जो गियर है वो नहीं गिर रहा है और मुझे लगता है इसके अंदर स्प्रिंग टूटा हुआ है। तो चलिए इसे खोल के चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं इसे खोल कर। भाई ज़्यादा हो गया क्या? मेरे पास ज़्यादा लग रहा है। बस हो गई करो ना जमा खोल दो स्प्रिंग। अब ये चपले का दो नट खोल लिए, ये ऊपर का इसे निकाल लिया पूरा सेट। देख सकते हो ये बड़ा वाला स्प्रिंग टूटा हुआ है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी वजह से गियर नहीं गिर रहा था। और ये छोटा वाला स्प्रिंग भी टूटने की तैयारी में है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से क्रैक है, ये देखिए टूट चुका है। तो हम ये दो स्प्रिंग चेंज करेंगे। अब चलिए इसे चेंज करते हैं। ये दो स्प्रिंग हमने लिए बुलेट ब्रिगेड ऑटो से, एक बड़ी ये छोटी वाली। अब इसे फिट करते हैं। चलिए मैं ये आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से फिट करके लगा देना। आपको स्प्रिंग के बीच में फंसाना है इस तरीके से। छोटा वाला स्प्रिंग इस तरीके से लगाना है थोड़ा खींच के। अब ये पार्ट को ऐसे ही लगाना है। अब ये जो है इसे आप ये ऐसे उल्टा ना लगाएं, नहीं तो गियर नहीं गिरेगा। इसे ये पोजीशन में लगाना है इस तरीके से, जैसे मैं दिखा रहा हूँ इस तरीके से। ये आउटसाइड होना चाहिए, डाउन साइड नहीं होना चाहिए। ऊपर का इसे भी इस तरीके से लगाना है।
तरीके से चेक कर लेना। ये जो कवर है, इससे पहले लीवर को वायर में फंसा कर उसके बाद यहाँ इस तरीके से लगाना है और उसका जीसी लीवर में प्रॉपर बैठा देना है। ये स्क्रू इसके बाद लगा देना है। दो लंबे वाले स्क्रू है और दो छोटे वाले स्क्रू है और एक ये कैप का स्क्रू है। अब इसे हम कस देंगे। स्टैंड में बना कद्दू जुगाड़ 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 जूना भाई को हाथ दी जाए पछी में वादो नहीं आवे हाथ देव अघरो જૂનો અભ્યાસ ઓછો થઈ ગયો હવે, કારણ કે જૂના માણસો ઓછા, હવે બીજી વાત કે એને કામ કરવાનો માણસો ઓછા થઈ ગયા, લીટ વાળો હાથે હવે નવી પેઢીઓને કે એટલું રિએક્ટલ નથી આની અંદર, એ મહેનત બી નહીં કરીએ કે નહીં કરે, સર્કિટ લાવી બદલી ચાલે પડી ગયું શું થાય ખોલીએ કઈ થવાનું છે